नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू और बीजेपी के बीच जो सियासी जंग है वो लगातार जारी है। दोनों तरफ से सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं, दोनों तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं और इस वक्त जो सबसे भीषण भिड़ंत है वो चल रही है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बीजेपी की तरफ से बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के बीच। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी से 13 सवाल पूछे थे, तथ्यों के साथ उसका जवाब मांगा था। अब सुशील मोदी ने ललन सिंह पर हमला बोला है, सुशील मोदी ने ललन सिंह को दया का पात्र बताया है, सुशील मोदी ने ललन सिंह पर निशाना साधा है और सुशील मोदी ने कहा है कि जो हाल नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह का किया, जो हाल नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस का किया, जो हाल नीतीश कुमार ने शरद यादव का किया, वही हाल नीतीश कुमार ललन सिंह आपका भी करेंगे। तो ललन सिंह को लेकर ये हमला साधा है, ललन सिंह के प्रति अपनी सहानुभूति जताई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जेडीयू और उसके नेता अपराध और भ्रष्टाचार से समझौता कर सकते हैं लेकिन बीजेपी कभी भी इस पर समझौता नहीं करने वाली। नीतीश ने जो हाल जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और आरसीपी सिंह का किया वही हाल उनका भी करेंगे। ललन सिंह को इंतजार करने को भी कहा है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह थोड़ा इंतजार कर लें, 2024 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार को जेडीयू मुक्त बना देंगे। तो ये हमला, ये निशाना बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर। सुशील कुमार मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं और एक तरह से मोर्चा खुलकर बैठ गए हैं जेडीयू के खिलाफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। उनके फायरिंग रेंज में ज्यादातर या तो आरजेडी कोटे के मंत्री हैं जिनको लेकर उनका खुलासा बम फूट रहा है, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं जिन पर अक्सर वो हमलावर होते हैं। तो कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा। अब सवाल था कि पलटवार कैसे नहीं आता, जाहिर तौर पर पलटवार आना ही था, तो पलटवार सामने आ गया। सुशील कुमार मोदी ने कह दिया है कि भाई जो हाल आरसीपी सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव का नीतीश कुमार ने किया है वही हाल ललन सिंह जी आपका भी होगा और इंतजार कर लीजिए 2024 तक, लालू यादव 2024 तक बिहार को जेडीयू मुक्त बना देंगे। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।